नमस्कार। हम लोग कर रहे हैं टॉप रैंकर्स इंस्टीट्यूट का संडे टेस्ट, एंड दिस इज द टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 12, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। एंड वी हैव ऑलरेडी डन फोर क्वेश्चन, चार क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है वीडियो में। आपको ये मिलेगा कहाँ पे, इनके सॉल्यूशंस कहाँ पे मिलेंगे, यू हैव टू सिंपली राइट प्रेम ज्ञान संडे टेस्ट चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। आगे बात सुनिए, अब हम करेंगे, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट जो इन्होंने उठाया हुआ है, ये क्या है क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बुक, एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसी में से है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो हम इसी क्वेश्चन को करेंगे। और देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना? तो डायरेक्ट बुक में से उठाया हुआ, तो मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है सो डेट कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकते। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3, चैप्टर नंबर 12, एंड पेज आप जब देखेंगे, जब 202 पेज पे जाएंगे, यू विल गेट दिस क्वेश्चन। कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड द पैरामीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। सिंपल सी बात हुई है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक प्लॉट है, एंड दिस प्लॉट इज इन द शेप ऑफ ट्राइंगल। तो ये मतलब जो तीन साइड्स होती है उनका रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है 3 में, 5 में और 7 में। ये अलग अलग रेशियो दी हुई हैं और इनका टोटल जो पैरीमीटर है, पैरीमीटर इज गिवन टू यू, दैट इज 300 मीटर। तो प्यारे बच्चों, अगर रेशियो में दिया हो, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में। तो जब रेशियो में दिया हुआ है, तो लेट हम मान लेंगे, लेट ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, एक को हम मान लेते हैं 3x, एक को 5x एंड द लास्ट वन इज 7x। एंड ये साइड्स है ना, दीज आर थ्री साइड्स, तो इनका सम जो होगा वो पेरीमीटर होगा। इनका सम, साइड्स का सम क्या कहलाता है भाई? साइड्स का सम तो पेरीमीटर कहलाता है। तो हम लिखेंगे 3x + 5x + 7x इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है? 300 मीटर, ठीक है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 5, 7 एंड 3 विल बी 10 एंड 10 एंड 5 15x, तो ये आप लिख देंगे 15x = 300। एंड वेन यू विल सॉल्व विथ एक्स, यहाँ पे 15 क्या हो रहा है भाई? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 300 को 15 के नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 20। तो एक्स कितना आ जाएगा? 20। तो कहने का मतलब है, जो एक्स की वैल्यू आई है डेट इज 20। तो अब आप सिंपली, इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब ये हो गया, अगर ये 3x है, ये क्या है? 3x है, तो 3 × x की जगह 20 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 यहाँ 60 हो जाएगा। ये 5x है, तो 5 × x मीन्स ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एंड इफ इट 7x, तो ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नाउ वी हैव ऑल द थ्री साइड्स, हमें ये तीनों साइड्स मालूम चल गई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, विल सिंपली यूज विच फॉर्मूला? विल यूज हीरोन्स फॉर्मूला। और आप जानते हैं एस, आपको सीधा सीधा पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इज गिवन टू यू, इज दैट इज 300 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा भाई? इसका आधा होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 150 मीटर। नाउ पुट द वैल्यूज इन हीरोन्स फॉर्मूला। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं हो, कौन सी साइड बराबर नहीं हो, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? s, s - a, s - b, s - c। नाउ पुट द वैल्यूज इन, द आंसर। तो हम लिखेंगे s की जगह, s की जगह कितना है? 150। 150 - a 60, 150 - b, मतलब ये साइड्स मान लेना, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी। 150 - a b हो गया, b की जगह क्या है भाई? 100 है। b की जगह क्या है? 100। एंड 150 - c की जगह क्या है? व्हाट इज c? c इज 140। आ रही बात समझ में? अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? रूट में ही आएगा, और ये होगा 150 150 - 60 90, 150 - 100 कितना होगा? 50, एंड 150 - 40 कितना आ जाएगा? 10। और ये सारा किस में खेल चल रहा है? मीटर स्क्वायर में। आर यू गेटिंग इट? तो अब क्या करना है आपको? आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अब मुझे मतलब जैसे पेयर बनाना होता है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना, तो मान लो मुझे अगर कुछ नंबर दिखता है, तो मैं एक जैसे नंबर लाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ये 50 है, 50, तो क्या मैं इसको 50 के टर्म्स में ला सकता हूँ? कैन आई राइट इट? तो
आई राइट 50 इंटू 3, 150 हो गया ना, इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। अब जब इसमें से कुछ कॉमन निकालना हो तो क्या आप कॉमन निकाल सकते हैं, यू कैन टेक दिस 50 आउट, 50 बाहर आ गया ये। और क्या ले सकता हूँ, ये 90 है, चलो कोई बात नहीं, अभी 50 आप बाहर ले लो। अंदर क्या बचा है, 3 इंटू 90 इंटू 10, केवल ये बचा है ना। अब फिर से वही वाला रूल, आप इसके 10 का मल्टीपल बनाइए, तो ये आप लिखेंगे 50, ये हो जाएगा 3 इंटू 90 की जगह। देखो भाई आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन मैं तो सिंपलेस्ट मेथड सिखा रहा हूँ। आप लिखिएगा 9 इंटू 10 इंटू 10। अगले स्टेप में हम ये 10 भी बाहर ले लेंगे ना, ये भी बाहर चला गया, तो 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 500, और ये क्या बचेगा, 9। यहाँ पे क्या बचा है, 3 इंटू 9, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब अंदर क्या बचेगा, 50 इंटू 10 कितना होता है, 500, ये बाहर आ जाएगा, तो इंटू 3 और रूट 3, तो ये क्या आ जाएगा, 1500 रूट 3 और मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। अगर वैल्यू दी होती ना रूट 3 की, तो रूट 3 की वैल्यू पुट करके हम एरिया एग्जैक्ट नंबर्स में निकाल लेते, बट इट इज गिवन इन रूट 3, तो हम रूट 3 में ही छोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों काफी आसान क्वेश्चन है, जरूरत क्या है, जरूरत ये है कि ये जो फैक्टर्स दिए होते हैं ना, ये फैक्टर्स आप अच्छे से समझें और इसको करें। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है, मैं देख लूँ यदि और टेस्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया हो, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है, तो हम इसी तरीके से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है, दीज आर वेरी नाइस क्वेश्चन, और इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बाकी के सोल्यूशन भी हम लोग करेंगे, और हमने अभी तक कितने सोल्यूशन कर लिए, वी हैव डन 5 सोल्यूशन, और ये वाला सोल्यूशन सीधा, ये वाला क्वेश्चन सीधा आपकी एनसीईआरटी की बुक से उठा के लगाया गया है। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ना जरूरी है, पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे।